नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, प्रदेश सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी स्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी के चलते स्थायी कर्मचारियों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के स्थायी कर्मियों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने 2008 से स्थायी कर्मियों के हित में कई आदेश जारी किए, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही के चलते जमीनी स्तर पर उनका लाभ स्थायी कर्मियों को अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही स्थायी कर्मियों की समस्याओं के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो आगामी दिनों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना होगा। स्थायी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने अब तक जितने भी आदेश स्थायी कर्मियों के हित में जितने भी आदेश निकाले हैं उनकी समीक्षा कराई जाए और इनके क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सर, स्थायी कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, कई निर्णय भी लेती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे कितने कर्मचारी हैं, कितनी परेशानी आ रही है? मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सबसे निचले और पिछड़े वर्ग के हित में कई आदेश जारी किए गए। सन 2008 में आदेश जारी किया गया कि जिनकी सेवाएं 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, उनको 500 1000 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। और फिर नेशनल पेंशन स्कीम के आदेश जारी किए गए कि कर्मचारियों की 10% जो है कटौती की जाए, उसमें गवर्नमेंट 10% अपने से देगी। और फिर 16 में स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी बनाने का और स्थायी कर्मी से नियमित करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन नौकरशाह द्वारा इन किसी भी आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया गया। मनमर्जी से जहां विभाग में चाहा इनने इनकी इच्छा हुई पालन किया, जहां नहीं चाहा नहीं किया। आज भी आदिम जात कल्याण विभाग, आर्थिक सांख्यिकी विभाग, ऐसे कई विभाग हैं वहाँ ये आदेश लागू नहीं हुआ। और अभी गवर्नमेंट ने 25% डीए स्थायी कर्मी को दिया है, तो कुछ विभागों में डीए दिया जा रहा, कुछ में नहीं दिया रहा। इस प्रकार पूरे विभाग में नौकरशाह मनमानी कर रहा है। इससे प्रदेश सरकार को चाहिए कि ये जो आदेश कर्मचारियों के हित में जारी किए गए हैं इनकी समीक्षा की जाए और इन जिन अधिकारियों द्वारा इनका सही पालन नहीं किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, इन आदेशों का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, इससे कर्मचारियों में असंतोष फैलना स्वाभाविक है और इससे प्रदेश की भाजपा सरकार को निश्चित रूप से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करता हूं कि इन आदेशों की पूर्ण समीक्षा की जाए और निचले वर्ग के कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसानुसार उसका लाभ दिया जाए। शारदा सिंह परिहार, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ। आदित्य सराठे की रिपोर्ट।